जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 18 अक्टूबर 2024 के लिए। और मार्केट वोलेटाइल भी है काफ़ी। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और डाटा नेगेटिव है, साथ में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं कोई खास नहीं आ रहा है। ना इन्फोसिस का अच्छा आया है, ना रिलायंस का, एक्सिस बैंक का थोड़ा अच्छा आया, बाकी ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं है। तो आगे बाज़ार को ले जाना हो तो बिना रिजल्ट अच्छा आए बिना कैसे बाज़ार को ऊपर खींच सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी नीचे पेन बाकी है, और ये तो करेक्शन है, कोई क्रेश वेस वाला नहीं है, करेक्शन है। कितना पॉइंट ऊपर से गया, 26200 से 15-1700 पॉइंट है, ये तो करेक्शन है कोई, ये तो रेगुलर करेक्शन है, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। आप लोग मान लीजिए, सीप बीप करते रहिए, SIP जो करते हैं करते रहिए। यहाँ तो हम आपको लोगों को सपोर्ट देना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए। बाजार सपोर्ट दे दे तो बाजार जाएगा ही नहीं नीचे। वीकेंड आ रहा है तो फिर इसराइल ईरान का चलेगा और होगा मेरे ख्याल से इस हफ्ते, नहीं तो नेक्स्ट वीक में श्योर होना है इसराइल ईरान पर अटैक करेगा, नेक्स्ट वीक में ही करे। यदि ये शुक्र शनि रविवार को नहीं किया तो नेक्स्ट वीक 100% श्योर होना है। ये आज की समरी है। ट्रेड तो बहुत से लिए थे, उतना मज़ा नहीं आया। 6400 जमा हुए हैं, 398.75, लेकिन जो हिसाब से जितना ट्रेड लिए है उस हिसाब से मज़ा नहीं आया, जिसको बोला जाए भाई। समझ लीजिए 15 ट्रेड लिए, उसमें 2 ट्रेड पुराने थे, कल के थे, तो 13 ट्रेड हुआ है। तो 13 के हिसाब से ही 500 रुपया पर ट्रेड भी मिले तो 6500 रुपया होना चाहिए जमा कम से कम, और 2 ट्रेड कल का लिया उसमें 1000-2000 और होना चाहिए, तो 9500 रुपया होना चाहिए कम है मेरे हिसाब से। फिर जो भी है अपने अपने मेहनत से जितना भी मिल रहा है, 6398.75 जमा किए, नेट में 8590 इस वीक का जमा है। और मिड कैप निफ्टी 12800 का पुट हम लोग 21 रुपया में लिए, क्लोजिंग 21.05 का है, लेके आए हैं 12800 का पुट, 7 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये का मैंने दिया था, 10 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से अब जुड़ना चाहो तो ऑफर सब क्लोजिंग हो गया। अब मंडे टू फ्राइडे वीकली 1000 रुपया है, और मंथ जो शुरू होगा नवंबर 1 तारीख से 3000 रहेगा, क्योंकि अब हम लोग का काम बढ़ेगा मंथली आने से, बहुत से काम बढ़ जाएंगे हम लोग के लिए, पूरा फॉर्मेट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। और एब्रॉड के लिए 1500 रुपया है, तो ये 1 नवंबर से पुराने रेट में आ जाएगा। हाँ, जो एग्जिस्टिंग है, जो इस महीने कंटिन्यूस किए हैं, उनके लिए एक खाली दिवाली ऑफर है जो 2100 रुपया, बाकी जो भी अब जो भी आएंगे वो नए प्राइस से आएंगे। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM स्टॉक्स बियर्स। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। आज FII ने 2752 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2885 करोड़ का, नेट में 133 करोड़ का सेल किए। देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है, जब ये लोग बढ़ा रहे थे तो डेली थोड़ा थोड़ा ले लेकर बढ़ा रहे थे, और ये लोग जोर से बेच रहे थे तो इन लोग का शॉर्ट कटवा रहे थे। अब ये लोग बियर वाले समझ गए कि आराम से, कोई जल्दी नहीं है, धीरे 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 करके देते जाओ। तो कंटिन्यूस ये 2 दिन बीच में बाइंग थे, फ्राइडे और मंडे को, बाकी पिछले 10 दिन से बियर वाले बेच ही रहे हैं निफ्टी इंडेक्स में, छोटे छोटे अमाउंट करके बेच रहे, किसी को ना पता चले, और 100-200 करके नीचे नीचे निफ्टी जा रहा है, माने किसी को ना पता चले। और FII ने FNO स्टॉक्स में 265 करोड़ का बाई किए, केस में अच्छा बेचे, 7421 करोड़ का FII ने, और DII ने 4980 करोड़ का बाई। ये FII की इंडेक्स पोजीशन है, निफ्टी इंडेक्स में 17 करोड़ का सेल किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 1838 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 125 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 2063 करोड़ का सेल किए, फिन निफ्टी इंडेक्स में 3.95 करोड़ का बाई किए, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 682 करोड़ का सेल किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 4.77 करोड़ का बाई किए, और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 370 करोड़ का सेल किए। ये डाटा सेट है 17 तारीख की, और 18 तारीख को कैसा रहेगा
क्लाइंट ने इंडेक्स में 13,213 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए तो नेट में वो 213,778 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। DII ने बोथ किए 178 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो शॉर्ट में 71,076 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने सोल्ड किए 1716 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 169,820 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। प्रो ने सोल्ड किए 11,675 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो 27,118 कॉन्ट्रैक्ट बाई में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बोध किए 272,007 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में अब वो शॉर्ट में है 50,332 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने इंडेक्स में सोल्ड किए 316,555 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो लॉन्ग में है 337,505 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 44,548 कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी वो लॉन्ग शॉर्ट में है 289,251 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 95,025 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए तो नेट में अभी भी वो शॉर्ट में है 1,085,680 कॉन्ट्रैक्ट। DII ने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए तो नेट में वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग 176,418 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने सोल्ड किए 233,070 कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी उनके इंडेक्स पुट में लॉन्ग 668,702 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 122,045 कॉन्ट्रैक्ट तो नेट में वो अब इंडेक्स पुट में लॉन्ग में 205,560 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा बेरिश है तो कल मुझे लगता है कि एक 2:30 बजे बॉटम लगना चाहिए, 2:30 बजे के बाद ही ये लोग शायद एक रिकवरी दे तो दे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखेंगे कल क्या हो रहा मार्केट। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी सपोर्ट जहां बड़े हुआ 13,051 के पास बेचिए, सपोर्ट 12,915 12,850 रीजन ऊपर में 13,100। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,000 का कॉल वीकली वाला, बिलो 99 के नीचे हो तो बेचिए, 130 का RST सपोर्ट 35.65 रुपया। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,800 का पुट वीकली वाला, एवो 20 के ऊपर बाई जोन सपोर्ट 7 का आ रहा है, BTST हम लोग लेके आए हैं 21 रुपया में, तो 20 के ऊपर हो तो बाई जोन हम लोग ने 10 का स्टॉप लॉस दिया या 7 का कर दिया, 3 पॉइंट और बढ़ा दिए, जो जिसको जो अच्छा लगे 10 में भी काट सकते हो। रजिस्टर ऊपर में 33, 46, 58, 58 के ऊपर 75। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुए 24,840 के पास बेचिए, रजिस्टर ऊपर में 24,950 का लगाए, सपोर्ट 24,640, 24,540। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी 24,800 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुए 210 के पास बेचिए, रजिस्टर 251 का रखिए, सपोर्ट 101 और 65। बाइंग रेंज करना हो तो 40 के पास और 20 का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी 24,500 का पुट वीकली वाला, अबव 36.65 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 26 रुपया और 18 रुपया, रजिस्टर ऊपर में 80 और 98। ये 64 का क्लोजिंग दिया तो शायद मुझे लग रहा है एक गैप अप खुलना चाहिए फिर वापस दे देंगे, तो आपको 36.65 के पास या 26, दो रेंज है, कहीं भी लीजिए, 18 के पास लीजिए जो जहाँ समझ में आवे, और रजिस्टर ऊपर में 80 और 98। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,680 के नीचे सेल जोन, 584 का क्लोजिंग दिया, बिलो लिखा लेकिन यहाँ होना चाहिए राइस, जहाँ बड़े हुआ 680 के पास बेचिए, रजिस्टर ऊपर में 23,830, सपोर्ट 23,435 टूटे तो 23,300। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,600 का कॉल वीकली वाला जहाँ बड़े हुआ 190 के पास बेचिए, रजिस्टर 232 का रखिए, सपोर्ट 60 रुपये का। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,500 का पुट वीकली वाला जहाँ कटवा 80 के पास लेना है, 95 का क्लोजिंग दिया, अगर ज़्यादा हो गैप अप खुले या खींचे तो वेट कीजिए, 50 के पास लीजिए, सपोर्ट 25 का रहेगा। 80 के पास भी लेते हो तो फिर आप 5-7 पॉइंट का रखिए, अगर वो हिट हो जाए तो फिर 50 के पास लीजिए, 25 का स्टॉप लॉस है, रजिस्टर ऊपर में 138। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां पड़े हुए 51,450 के पास बेचिए, रजिस्टर 51,760, सपोर्ट 50,980, 50,675। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,500 का कॉल वीकली वाला जहां पड़े हुए 420 के पास बेचिए, आज भी मैंने बेचने को कहा था, मैंने यानी कल के वीडियो में बोला था 720 के पास बेचने का, और 725 का हाई लगाया आज,
और 250 मैंने बोला था लेने का, 260 के पास 245 का लो बनाया था आज का। तो ये आज फिर जहाँ कल बढ़े वहाँ बेचिए 420 के पास, रईसन 485 का या 420 के नीचे कहीं भी हो, 390 से भी घूमे तब भी बेच सकते हो। आपके पास रईसन से ऊपर में 485 का कहीं भी आपको समझ में आवे बेच सकते हो। सपोर्ट 245 टूटे तो 125 तक ये आएगा। इंट्राडे फ्राइडे 18 अक्टूबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,000 का पुट जहाँ घटे हुआ 150 रुपये के पास लीजिए। सपोर्ट 125 और 90, रईसन 230 290 और 330 तक जा सकता है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।